हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस प्लस एकेडमी। मैं हूं सुमित चौधरी और आज हम पढ़ेंगे द पाल डायनेस्टी यानी पाल वंश का इतिहास। हम पढ़ेंगे इसको, हम कभी एंशियंट हिस्ट्री में भी पढ़ लेते हैं और मेडाइवल हिस्ट्री में भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये जो रूलर थे ये एंशियंट पीरियड जो हमारा 712 एडी हम मानते हैं वहां से इनका लगभग शासन शुरू हो जाता है और फिर 12वीं शताब्दी तक चलता है। यानी 8वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक इन रूलर्स ने, पाल वंश के रूलर्स ने, मेजरली बिहार और बंगाल के इलाके पे इन्होंने शासन किया था। तो इनके समय पे क्या क्या मेजरली घटनाएं हुई, कौन कौन से रूलर इनके समय पे रहे, उनके बाद एक जो संघर्ष चलता था पाल, गुज्जर, प्रतिहार और राजपूत डायनेस्टी के बीच में, उस चीजों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसको ऐसा नहीं छोड़ के नहीं जा सकते। बहुत सारे लोग पाल वंश को पढ़ के ही नहीं जाते, लेकिन देखिए जो डायनेस्टी ने लगभग 400 साल तक भारत के एक बड़े इलाके पे शासन किया है वो इम्पोर्टेंट है, उसको आप छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तो अगर आप यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पे जीके आती है, जिसमें हिस्ट्री आती है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो वो मैं बात बताता हूँ आपको कि कहाँ पे ये शासन किया करते थे पाल डायनेस्टी के शासक। तो पालाज या पाल जो है इनका जो शासन था, ये जो आपको वॉयलेट कलर का दिख रहा है, बैंगनी कलर का शेडो दिख रही है, यहाँ पे इनका शासन हुआ करता था। तो देखिए ये इलाका मेनली यहाँ पे शासन होता था इनका, जो बंगाल और बिहार का इलाका है यहाँ पे, लेकिन एरिया जो था वो इनकी बाउंड्री हमेशा फिक्स नहीं रहती थी। आपको पता है उस समय ये जो तीन वंश थे, गुज्जर, प्रतिहार, उसके अलावा राष्ट्रकूट और ये तीसरा हमारा पाल, इन तीनों के बीच में अपनी सीमाओं को लेके, अपने एक्सपांशन को लेके एक तरीके से संघर्ष चलता रहता था। और वो संघर्ष का पॉइंट यहाँ पे कन्नौज में मिलता था, ये कन्नौज उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे आके ये तीनों भिड़ते थे मेनली। यहाँ पे जब भी इनका लड़ाई होती थी तो कभी गुज्जर प्रतिहार जीत गया, कभी पाल वंश जीत गया, कभी राजपूत डायनेस्टी जीत गई। तो ये जो कन्नौज है इस पे अलग अलग समय पे अलग अलग रूलर्स का शासन रहा। तो ये देखो ये जो शेड दिख रही है आपको, डार्क आपको दिख रही है जिसमें ग्रीन और ये पर्पल जो है ये मिला हुआ है, यहाँ पे देखो कभी पाल का शासन रहा है, कभी गुज्जर प्रतिहार का रहा है। उसी तरीके से इधर देखें तो कभी राजकूट का रहा है यहाँ पे शासन और कभी गुज्जर प्रतिहार का रहा है। तो इस तरीके से इनके बीच में काफी सारी लड़ाइयां लड़ी गई, उनमें कभी गुज्जर प्रतिहार जीतता है, कभी पाल जीतते हैं, कभी राजकूट जीतते हैं। तीनों ही डायनेस्टी अपने आप में पावरफुल थी, ठीक है। इनमें सबसे पावरफुल हम देखें तो राजकूट डायनेस्टी जो थी वो ज्यादा पावरफुल थी, और पाल, ये गुज्जर प्रतिहार को हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे और राजकूट डायनेस्टी को हम अभी तक कवर कर चुके हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं राजकूट डायनेस्टी का इतिहास। ओके, तो अब मैं आपको आराम से बताता हूँ चीजें क्या क्या होती हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो पाल अंपायर है, ये पाल डायनेस्टी है, इसका ओरिजिन कैसे होता है। सबसे पहले तो आप एक चीज देखिए, पाल का मतलब होता है प्रोटेक्टर, यानी कि रक्षक। रक्षक क्या, तो यहाँ रक्षक से ही आपको एक चीज याद रखनी है कि यहाँ का जो रूलर था वो सबसे पहले एक सैनिक था, वो एक मिलिट्री जनरल था और उसी को जनता ने अपॉइंट करके 8वीं शताब्दी में लगभग 750 एडी में उसको अपना रूलर अपॉइंट किया था। तो प्रोटेक्टर यानी कि कौन होता है, आर्मी का बंदा यानी मिलिट्री का बंदा कौन होता है, प्रोटेक्टर, यही इसका मतलब है पाल का। तो पाल मतलब प्रोटेक्टर और प्रोटेक्टर मतलब मिलिट्री लीडर, और इसी से आपको क्या लगाना है कि यहाँ की जनता ने इसको अपॉइंट किया था। तो ये तो आपको याद रखना है ओरिजिन के लिए। तो अब चीजें क्या होती हैं वो देखिए, आपको एक रूलर याद है शशांक, आपने अगर हर्षवर्धन का इतिहास पढ़ा हो, और मैंने भी आपको पढ़ा चुका हूं मैं, तो आपको शशांक नाम का एक गोड शासक था, बंगाल का एक गोड शासक था जिसका नाम था शशांक। इसी ने हर्षवर्धन के समय, हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या करवा दी थी एक कॉन्स्पिरेसी के तहत, दो राजाओं ने मिलकर, शशांक और एक दूसरे राजा का क्या नाम था आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, आपको याद है तो इन लोगों ने मिलकर हर्षवर्धन के भाई की हत्या करवा दी थी राज्यवर्धन की। उसके बाद राज्यवर्धन ने शशांक को हरा दिया था और बंगाल तक ये सीमित रह गया था। इसके बाद इसने कन्नौज की तरफ देखना बंद कर दिया था। अब क्या होता है, शशांक की मृत्यु हो जाती है। शशांक की मृत्यु के बाद यहाँ एक अनार्की फैल जाती है, यहाँ पे एक तरीके से कोई राजा नहीं होता बिना सत्ता के, तो जनता में एक ये हो जाता है कि अगला राजा कौन होगा। तो यहाँ पे उसके बाद गोपाल को ये अपना शासक नियुक्त करते हैं, यहाँ के जो लोग हैं, जो समझदार लोग, जो बड़े लोग हैं, वो गोपाल को अपना शासक अपॉइंट करते हैं। तो एक तरीके से डेमोक्रेटिक रूप से चुना गया शासक था गोपाल, और यही फाउंडर था, यही पहला शासक था पाल वंश का। अब एक बात मैं आपको और बताऊं शशांक के बारे में, शशांक जो था गोड शासक, इसने क्या किया था, बोध गया में जो बोधि ट्री है, बोधि ट्री था जहां पे गया नामक स्थान पे
महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसी बोधि ट्री की बात कर रहा हूँ, उसको इस शशांक ने कटवा दिया था। तो कौन सा व्यक्ति था, ये कई बार सवाल पूछा जाता है कि बोधि ट्री को कटवाने वाले शासक कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए शशांक था, गोड वंश का शासक था और बंगाल का शासक था ये, ठीक है। उसके बाद आगे चल के ये गोपाल जो है ये तो बौद्ध धर्म को मानने वाला व्यक्ति था, ये जो है गोपाल और आगे जो वंश चलता है पाल डायनेस्टी, इसके जो रूलर है वो मेजरली सब के सब बौद्ध धर्म को अपनाने वाले हैं, और यहाँ पे शशांक जो है पहले वाला रूलर ये इसके खिलाफ था, ठीक है। तो ये पहला रूलर माना जाता है पाल वंश का, और एक ये वॉरियर था, इसके पिता भी वप्याता जिनका नाम था वो भी एक वॉरियर थे, ठीक। उसके बाद ये मैं बता दिया है मैंने आपको इनको किस तरीके से अपॉइंट किया गया एज ए किंग, तो ये आपको एनार्की को हटाने के लिए जनता ने ही इनको अपॉइंट किया था। उसके बाद जब इनकी मृत्यु होती है तो इनके समय इस गोपाल ने कितने एरिया अपनी मृत्यु के समय छोड़ के गया, बंगाल और जो आज का बिहार है उसका मोस्ट ऑफ एरिया आपको देखने को मिलेगा पाल डायनेस्टी में आ चुका था। फिर है इन्होंने एक मोनेस्ट्री बनाई थी उदंतापुरी में, उदंतापुरी बिहार में इन्होंने एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनवाई। मोनेस्ट्री क्या होती है, मठ होता है, मठ, मठ कहाँ होता है, जहाँ पे ये बुद्धिस्ट मोंग जहाँ रहते हैं, ये जो बौद्ध धर्म के मानने वाले जो मेनली मोंग होते हैं जहाँ पे रहते हैं उसको मठ बोला जाता है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इसने बनवाई थी। उसके बाद ये बंगाल का पहला बुद्धिस्ट किंग माना जाता है, बंगाल का पहला बुद्धिस्ट किंग। आपको पता है हर्षवर्धन के समय भी बंगाल का मेजरली इलाका हर्षवर्धन के समय पे उन्हीं के इलाके में आया करता था, लेकिन अगर बंगाल का इंडिविजुअल रूलर देखें तो ये पहले बुद्धिस्ट थे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे बात आती है इनका पुत्र धर्मपाल जो है वो दूसरा राजा है। उसके बाद पाल वंश आगे चलने शुरू हो गया और इनका इन्होंने टाइटल लिया था परम सौगात। परम सौगात का टाइटल किसने लिया, धर्मपाल ने लिया, और इसके बाद का जो शासक है उसने भी परम सौगात का शासन लिया था जिसका नाम है देवपाल, ठीक। अब बात आती है कि इसने अपने इलाके को बढ़ाना शुरू किया और ये भी बुद्धिज्म को मानता था। बुद्धिज्म को मानने के साथ साथ ही इन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनवाई, विक्रमशील यूनिवर्सिटी भागलपुर जिले में, आज भागलपुर जिला बिहार में आता है। और विक्रमशील यूनिवर्सिटी को आप नालंदा विश्वविद्यालय जैसे ही देखिए, मिनी नालंदा समझिए। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था, कुमार गुप्त ने बनवाया था, और नालंदा विश्वविद्यालय की क्या पहचान थी, वो विश्वविद्यालय जो था वहां पे मेजरली बुद्धिज्म के बारे में ही आपको देखने को मिलता है, बुद्धिज्म की एजुकेशन वहां पे ज्यादा दी जाती थी। उसी तरीके से विक्रमशील यूनिवर्सिटी है जो भागलपुर में, वो भी उसी कॉन्सेप्ट पे बनी थी जिस कॉन्सेप्ट पे बनी थी नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये है विक्रमशील यूनिवर्सिटी, ये बिहार में इन्होंने बनवाई। उसके बाद हरिभद्र नाम के एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, वो भी इन्हीं के कोर्ट में रहते थे, और ये सवाल पूछा जाता है कई बार कि हरिभद्र जो थे वो किसके राज दरबार में रहा करते थे, तो ये रहा करते थे धर्मपाल के राजवंश में, और धर्मपाल ने शासन किया था 780 से लेकर 810 एडी तक, ठीक है। इससे पहले आपको मैं बता चुका हूँ 750 से लेकर 770 तक गोपाल ने शासन किया, ओके। उसके बाद आपको पता है यहां से जब धर्मपाल आता है इसके बाद इनकी वॉर शुरू हो जाती है, इनके बीच में जो संघर्ष है गुज्जर प्रतिहार और राजपूत डायनेस्टी का, इन तीनों के बीच में एक आपको देखने को मिल जाता है संघर्ष, यहां से शुरू होता है 770 एडी के बाद। अब पीछे जो रूलर था वहां तक तो उनकी तो सीमाएं टच नहीं होती थी गोपाल के समय तो, लेकिन अब इसने अपना एरिया को एक्सपांड करना शुरू किया और गुज्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट के साथ इनकी संघर्ष होने शुरू हो गए। अब पहले क्या होता है, ये लड़ाइयां हार जाता है, वत्सराज जो होता है वो उस समय गुज्जर प्रतिहार राज का राजा होता है, और ध्रुव जो होता है राजपूत डायनेस्टी का शासक होता है, और दोनों से ये युद्ध जीत लड़ता है, दोनों से एक बार तो ये हार जाता है। उसके बाद क्या होता है, ध्रुव जो होता है, ध्रुव क्या करता है, वत्स पे जाके आक्रमण करता है, यहां से वत्स कमजोर हो जाता है और वत्स यहाँ पे हार जाता है वो लड़ाई। उसके बाद क्या होता है, जब वत्स कमजोर हो जाता है ध्रुव तो वापिस चला जाता है। ध्रुव जो है राष्ट्रकूट डायनेस्टी के जो शासक थे ये अपने नॉर्दर्न एनिमीज को, जो नॉर्थ के जो राजा थे उनको हरा के अपने शासक एरिया में वापिस चले जाते थे, यहाँ पे ये रहते नहीं थे। ऐसा नहीं है कि अपने एरिया को अपने कैपिटल को इन्होंने शिफ्ट कर लिया और कन्नौज में शिफ्ट हो गए, ऐसा नहीं करते थे। इन्होंने क्या किया, वत्साल को हराया, ये जो मैप में आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे आके कन्नौज में वत्साल को हराया। वत्साल को हराने के बाद क्या किया, सॉरी एक सेकेंड, ये हमारा चला गया है यहाँ पे। तो वत्साल को कन्नौज में हराया, तो वत्साल जब हार गया ध्रुव से, उसके बाद धर्मपाल ने आक्रमण किया वत्साल पे यहाँ पे, और कन्नौज पे इन्होंने इसने कब्जा कर लिया क्योंकि ध्रुव तो यहाँ से वापस जा चुका था। तो ये चीजें हुई।
उसके बाद क्या होता है, धर्मपाल ने ये जीत लिया है, उसके बाद क्या चीजें हैं, इसके बाद माना जाता है कि ये जो पाल किंगडम जो था ये धर्मपाल के समय नॉर्दर्न और ईस्टर्न फ्रंट पे बहुत ही पावरफुल हो गया था। ठीक है, तो ये चीज थी, धर्मपाल एक पावरफुल रूलर था। और आपको मैं एक मैप दिखाता हूँ यहाँ पे पाल डायनेस्टी का, जो देवपाल के समय का रूलर है, समय है 800 CE में, 800 के समय आपको दिख रहा है ये धर्मपाल, और उसके बाद इसका बेटा क्या बोलते हैं देवपाल आ जाएगा। तो 800 CE के अंदर धर्मपाल ने अपने एरिया को यहां तक एक्सपांड कर दिया था। आपको दिख रहा है ये बंगाल बिहार तक सीमित ना रह के उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड और ये आज का पंजाब, यहाँ तक ये एरिया इन्होंने, इसने कैप्चर कर लिया था। गुज्जर प्रतिहार जो डायनेस्टी है, ये प्रतिहार यानी गुज्जर प्रतिहार की बात कर रहा हूँ, ये इस समय थोड़ी कमजोर हो गई थी। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा, राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने इसको युद्ध में हराया, और राष्ट्रकूट डायनेस्टी और इधर पालवन डायनेस्टी दोनों ने अपने एरिया को एक्सपांड कर लिया। ये 800 CE की बात चल रही है। उसके बाद वापिस से गुज्जर प्रतिहार आक्रमण करेंगे और वापिस एक बार पाल डायनेस्टी को बैकफुट पे आना पड़ेगा, और वो चीजें हम देखेंगे आगे चल के, देखना 850 के बाद ऐसा होने वाला है। अब देखिए, धर्मपाल और राणा देवी का पुत्र था, जो कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी की एक प्रिंस थी राणा देवी, इसका पुत्र था जिसका नाम था देवपाल। इसने 810 से लेकर 850 तक शासन किया, और इसने भी परम सौगात की उपाधि ली थी। परम सौगात की उपाधि इसके पिता ने भी ली और इसने भी ली। इसने अपने एरिया को आसाम, उड़ीसा और कामारूपा तक फैला दिया, जो कि पालौज में अगर देखे तो सबसे पावरफुल रूलर माना जाता है देवपाल को। तो ये पहले वाला मैप जो है, ये अगर आप 800 CE में देखें तो ये देखो उड़ीसा और ये सारा इलाका जो है इसने कैप्चर कर लिया था आगे चल के। ठीक है, ओके। उसके बाद इसने क्या किया, इसने बहुत सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज और टेम्पल बनवाए मगध में। मगध जो यानी कि आज के समय बिहार है, उसी को मगध बोला जाता था, आपको पता है। इसने साथ ही साथ आगे चल के अमोघ वंश, ये मैंने बताया भी है आगे पीछे आपको, जब हम पढ़ रहे थे राष्ट्रकूट डायनेस्टी को, तो अमोघ वंश को देवपाल ने हरा दिया था। ठीक है, तो देवपाल की पहले रिलेशन हुआ करते थे, देखो मैट्रिमोनियल अलायंस थी इसकी एक तरीके से राष्ट्रकूट डायनेस्टी के साथ, क्योंकि राष्ट्रकूट की प्रिंसेस रन्ना देवी से इसके पिता ने शादी की थी, और उन्होंने एक तरीके से एक डिप्लोमेसी क्रिएट कर ली थी, पिता की शादी हो गई थी इनकी प्रिंसेस से। लेकिन आगे चल के इन्हीं का पुत्र, धर्मपाल का पुत्र देवपाल आगे चल के अमोघ वंश को हरा देता है युद्ध में। ठीक, अब देवपाल जो है वो पावरफुल रूलर था, लेकिन बाद के रूलर जो थे वो इतने पावरफुल नहीं थे। आगे चल के विग्रहपाल प्रथम आया, विग्रहपाल द्वितीय आया, नारायणपाल आया। नारायणपाल के बारे में आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि शिव का भगत था और इसने लगभग 1000 शिव मंदिर बनवाए थे। लेकिन आगे वाले जो रूलर है, नारायणपाल है, विग्रहपाल है, ये ज्यादा पावरफुल नहीं थे, और आने वाले लगभग 100-120 साल इनके डायनेस्टी के लिए बहुत ही डिक्लाइन का समय रहा। 850 से 988 AD तक का जो समय है वो डिक्लाइन ऑफ पाल डायनेस्टी माना जाता है। एक तरीके से ये डायनेस्टी एक तरीके से गुम हो चुकी थी, और यही वो समय है जो मैं पहले का मैप बता रहा हूँ आपको, शुरुआत में जो मैंने मैप बताया था कि ये जो गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी है इसने इन पे पूरी तरीके से आगे चल के काफी कब्जा कर लिया था, और ये इनका इलाका जो है पाल डायनेस्टी का वो छोटा सा बचा था। ठीक है, तो ये चीजें हुई। बाद में क्या हुआ, ऐसी क्या चीज हुई, बाद में रिवाइव कैसे हुआ, वो चीज देखते हैं। देवपाल तक पढ़ चुके हैं, अब आता है महीपाल प्रथम। और महीपाल प्रथम वो व्यक्ति था जिसने इस डायनेस्टी का दोबारा से, इस पतन से इसको बचाया और वापस से इस डायनेस्टी का नाम ऊपर किया। और इसने 988 AD में गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी का यहां से तख्ता पलट करके, यहां से उनको युद्ध में हरा के अपने भाई जो भोजादित्य का जो बदला है उसको ले लिया। भोजादित्य जो था उसी के समय गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी ने पाल डायनेस्टी को पूरी तरीके से समेट के रख दिया था, लेकिन महीपाल प्रथम ने इसको अपने थ्रोन को वापस से कैप्चर किया। इसीलिए दोबारा से अपनी डायनेस्टी को बिल्डअप करने का जो श्रेय है वो महीपाल प्रथम को जाता है। इसीलिए इसको दूसरा फाउंडर माना जाता है, सेकंड फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी माना जाता है, यानी कि द्वितीय संस्थापक। देखो दो सवाल है, पहली बात यह है कि पाल डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, तो आप जवाब दोगे गोपाल। लेकिन अगर पूछे कि सेकंड फाउंडर कौन है, तो आप जवाब दोगे महीपाल फर्स्ट। ठीक है, इसने 988 AD से 1038 AD तक लगभग शासन किया, और ये बहुत ही पावरफुल शासक था। इसने एक तरीके से रिवाइव किया, तो यहाँ इसके बारे में बहुत सारे जो ग्रंथ हैं, बहुत सारी चीजें हैं वो मिलती हैं। ये भी बौद्ध धर्म को मानने वाला व्यक्ति था, इसने तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लोगों को भेजा था, जैसे आपको याद होगा अशोक ने श्रीलंका में अपने बेटे और बेटी को भेजा था। ठीक है, तो वो चीज याद रखनी है। तो ये था, तिब्बत में इसने भेजा था। उसके बाद इसके कुछ नाम है, जैसे कि
क्षिति पाल, विनायक पाल, हेरेम पाल, उसके अलावा उत्तरापद स्वामी भी इसको बोला जाता है। देखो ये शब्द जो है मैंने इंग्लिश में यहाँ पे लिख दिए, लेकिन हिंदी के शब्द हैं, संस्कृत के जो शब्द हैं उनको जब आप इंग्लिश में लिखते हैं थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं आपको बोलने में थोड़ी, ठीक है, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। उसके अलावा आपने मैंने क्या बताया, गुज्जर प्रतिहार को इसने बैकफुट पे ले आया, उनको ये पीछे धकेल दिया और अपने शासन को इसने बचा लिया। लेकिन चोला वंश जो था उस समय, आपको पता है दक्षिण भारत में शासन चेरा इधर शासन करता था, चोला इधर शासन करता था और पांड्या यहाँ पे शासन करता था, यानी कि जो चोला डायनेस्टी थी वो तमिलनाडु और आज का आंध्र प्रदेश जो है यहाँ पे मेनली शासन करते थे। इन्होंने महिपाल प्रथम को युद्ध में हराया था, ठीक। उसके बाद बहुत सारे रूलर आए और चले गए, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अंतिम रूलर को आपको ध्यान रखना है, मदन पाल जो था, इसने 1144 से लेके 1162 तक इसने शासन किया और ये पाल डायनेस्टी का अंतिम शासक था, ठीक है। इसके बाद सेन डायनेस्टी जो थी उसने पाल डायनेस्टी को रिप्लेस कर दिया, जिसको आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो ये था मदन पाल और ये इनके सारे रूलर्स की बात हो गई। थोड़ा थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन पाल डायनेस्टी के बारे में जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। पाल डायनेस्टी का जो पीरियड है इसको बंगाली हिस्ट्री में गोल्डन एरा माना जाता है। गोल्डन पीरियड कौन सा माना जाता है बंगाली हिस्ट्री में, तो पाल डायनेस्टी का जो समय है उसको माना जाता है। साथ ही साथ आपको पता है कि मैंने अभी आपको बताया कि पाल अंपायर को डिथ्रोन किसने किया था, हिंदू सेन डायनेस्टी ने किया था 12वीं शताब्दी में। उसके बाद आपको मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी कि ये बुद्धिज्म को मानते थे, तो इन्होंने काफी सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज बनवाई, जैसे कि सोमपुत्र महावीरा, उसके अलावा ओढ़ंत पुत्री जो मोनेस्ट्री है वो बनवाई गई थी बिहार में, आपको ध्यान है। उसके बाद आपको याद है कि बुद्धिज्म को लेके, बुद्धिज्म सेंटर को, बुद्धिज्म को फैलाने के लिए, उसका स्प्रेड करने के लिए नालंदा ही जैसी एक और यूनिवर्सिटी बनाई गई जो कि विक्रमशील यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है आज के समय बिहार में, ओके। उसके अलावा बंगाली जो लैंग्वेज है और बंगाली लिटरेचर है उसका भी इनके समय पे काफी सारा डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है, जैसे कि चर्यपादा है, उसके अलावा अभाव हट है, इन चीजों को आप देखें, आप इनको पढ़ सकते हैं, आप देखें तो आपको नोट्स की तरह मैंने एक तरीके से प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि बाला पुत्र देव जो है एक शैलेंद्र किंग हुआ करता था, उसने अपने एम्बेसडर को भेजा था देवपाल के कोर्ट में, ठीक है। उसके अलावा बुद्धिस्ट पोएट वज्रदत्त ने एक कंपोजिशन लिखी जिसको बोलते हैं लोकेश्वर शताका, ये देखो आप नाम इसको ढंग से पढ़ लेना, इनके कोर्ट, ये देवपाल के कोर्ट में हुआ करता था। मैनी बुद्धिस्ट टीचर फ्रॉम पाल किंगडम ट्रेवल टू साउथ ईस्ट एशिया टू स्प्रेड इन फेथ ऑफ बुद्धिज्म। जिस तरीके से आपको पता है जैसे कि टाइम था पहले अशोक के समय पे, वो अपने लोगों को भेजा करता था, अपने बेटे और बेटी को भी श्रीलंका में भेजा था, मैंने आपको याद है, उसी तरीके से महिपाल ने सुमात्रा आयरलैंड है आज के समय जो आपको पता है इंडोनेशिया में है, उसी तरीके से तिब्बत और सुमात्रा में इन्होंने बुद्धिज्म को फैलाने के लिए अपने एम्बेसडर भेजे, अपने बुद्धिस्ट टीचर्स को भेजा, ठीक है। जैसे अतिशा जो है, अतिशा ने सुमात्रा और तिब्बत में इसको भेजा गया था महिपाल प्रथम के समय पे। संस्कृत का जो संस्कृत स्कॉलर्स हैं उनको भी इनका पैटर्निज्म मिला हुआ था पाल किंगजम्स का, ठीक है। इन्हीं के समय गोडापादा ने लिखा था आगम शास्त्र। देखो आगम शास्त्र पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आगम ग्रंथ जो है वो जैनिज्म के पवित्र ग्रंथ है, जैनिज्म का टेक्सचर है, लेकिन आगम शास्त्र जब आता है, और शास्त्र जब भी किसी के आगे लगता है तो आपको याद रखना है वो हिंदुइज्म से रिलेटेड ही टेक्स्ट होगा। तो आगम शास्त्र जो है ये हिंदुइज्म के टेक्स्ट हैं और आगम ग्रंथ हैं जो वो जैनिज्म के टेक्स्ट हैं। और इन्हीं के समय पे आर्ट जो है वो भी एक अलग लेवल की आर्ट डेवलप हुई थी, पाल आर्ट जो है, पाल जो वेंस के जो रूलर थे इनके टाइम पे जो मूर्तियां बनाने की कला थी वो नेपाल, श्रीलंका, बर्मा और जावा तक फेमस है, और आज के समय भी इनकी जो पुरानी मूर्तियां देखने को मिलेंगी बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां इनकी बनी हुई हैं। तो मूर्तियों पे इन्होंने अच्छा काम किया था, तो ये इनकी आर्ट में इनका योगदान था। तो ये था हमारे वीडियो का अंत, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो लाइक अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट क्लास।